नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और बिल्कुल वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल आप अपनी गार्डनिंग को भी एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों, और नए नए प्लांट्स भी लगा रहे होंगे, नई नई कटिंग्स भी लगा रहे होंगे और कुछ ना कुछ मतलब कर ही रहे होंगे। लेकिन दोस्तों जो आज का मेरा वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो चैनल के साथ नए नए जुड़ रहे हैं, और उनके ना मुझे बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं व्हाट्सएप पे, और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि मैम आपकी वीडियोस देख के हमारा मन करता है कि हम और भी ज़्यादा प्लांट लगाएं। लेकिन अभी हम शुरुआत में हैं तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन कौन से प्लांट लगाएं। तो दोस्तों मैं आपको वो वाले प्लांट बताऊँगी जो कि आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ जगह तो थोड़ा सा लॉकडाउन में थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है, लेकिन हमारे यहाँ अभी हम रेड जोन में हैं। लेकिन जिसके यहाँ थोड़ा सा रिलीफ मिला है वो थोड़ा सा इधर उधर घूम के इनकी कटिंग भी ला सकता है और बड़े आराम से इन पौधों को लगा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो मेरा बिगिनर्स के लिए प्लांट है, और इन प्लांट को लगाने से दोस्तों ये होगा कि आपके मरेंगे तो है ही नहीं, साथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट को लगाने के लिए। तो सबसे पहले है दोस्तों आपका सदाबहार का प्लांट, जिसका कि नाम ही सदाबहार है। गर्मी सर्दी में ये पौधा आपका कभी भी खराब नहीं होगा, और जैसा कि आप पूछ रहे थे कि फूलों वाला प्लांट हो तो ये वही प्लांट है दोस्तों, और इसके फूल जो हैं वो सारा दिन ही खिले रहते हैं, मुरझाएंगे नहीं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, एक दो दिन चल जाते हैं और नए नए फूल हमेशा खिलते ही रहते हैं। और दोस्तों अगर आप इनको छोटे छोटे गमलों में भी लगाते हो ना तो इतने सुंदर लगते हैं इसके प्लांट लगे हुए, पत्ते भी आपको इतने सुंदर ग्रीन ग्रीन दिखाई देंगे और ऊपर से जब इस पर फूल खिलेंगे तो इसमें देसी में और हाइब्रिड में बहुत सारी वैरायटी आती है। तो शुरुआत देसी से करना, हाइब्रिड मत लगाना अभी जो बिगिनर्स हैं। तो अगर आपको देसी वैरायटी मिलती है, इसमें एक डार्क वाला पर्पल होता है, एक लाइट पर्पल और एक वाइट होता है, तो ये आप लगा भी सकते हो। और दोस्तों इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। अगर कुछ लोग थोड़ा सा ये सोच के लगाएं कि हम हेल्दी प्लांट लगाएं अपने घर में, तो कहते हैं डायबिटीज़ वगैरह के लिए भी रामबाण का काम करता है। और इसके दोस्तों जब बीज अपने आप बन बन के झड़ झड़ के गिरेंगे इधर उधर, तो एक बार आप बस प्लांट लगाओगे दोबारा आपको लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप से ही इसके नए नए प्लांट्स निकलते चले जाएंगे। फिर आप उनको अलग अलग भी कर सकते हो, बस आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि प्लांट आपका ऐसे पक्के एरिया में ना रखा हो, कच्चे में रखा होगा तो नए नए प्लांट निकल आएंगे, या उसके आसपास भी अगर गमले रखे हुए होंगे तो उनमें झड़ के बीज और भी पौधे निकल आएंगे। और जैसा कि मैं दोस्तों अब कई दिनों से यही काम कर रही हूँ, जहाँ भी मुझे सदाबहार के इधर उधर पौधे दिखते हैं मैं लगा देती हूँ। और सेकंड दोस्तों मेरा रफ एंड टफ प्लांट है, जिसको कि सुंदर उपज अट्रोफा कहते हैं। तो ये दोस्तों जिसके पास भी अगर प्लांट है उसको पता है बहुत रफ एंड टफ प्लांट है ये, कटिंग से बड़े आराम से उग जाता है ये। और दूसरा दोस्तों अगर ये आपके घर में लगा हुआ है तो आपको इतना सुंदर लगता होगा ये प्लांट, मुझे बहुत सुंदर लगता है प्लांट, और चाहे इसमें फूल भी ना आए लेकिन इसकी पत्तियों की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है और इसकी जो पत्तियों का ग्रीन कलर है ना वो इतना सुंदर है कि आपको वैसे ही अपने गार्डन में लगा हुआ अच्छा लगेगा। तो कल जैसा कि आंधी आई थी, है ना, बताना आपके किसके आई है, हमारे यहाँ बहुत तेज आंधी आई दोपहर में और सारे के सारे फूल भी झड़ गए, सुबह नए नए खिले हैं बस जो भी खिले हैं, अदरवाइज तो सारे के सारे गार्डन का बुरा हाल मच गया था। बस मैं भी अभी सुबह सुबह पानी देके फिर मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाती हूँ, जो मेन कमेंट आया हुआ था। तो बस ये आप देखो, तो इसको सुंदर रूपा बोलते हैं दोस्तों नर्सरी वाले, और इसको दोस्तों मैं कटिंग से ही लगाती रहती हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि कभी मैं इस प्लांट को लाई भी होंगी, तो मैं कटिंग से ही तैयार करती हूँ इसको, और कटिंग इसकी दोस्तों बहुत आराम से तैयार हो जाती है और फ्लावर तो आप देख ही रहे हो, और इतने सुंदर लगते हैं इसके पौधे। मतलब अगर आपने लगा लिया ना, चाहे आपके फूलों के गुच्छे इस पे बने ना बने वो तो सुंदर लगेंगे, लेकिन आपका प्लांट बिल्कुल रफ एंड टफ रहेगा और हमेशा आपका साथ निभाएगा। एक बार लगा दो इसको, कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता है, सारे वही प्लांट बताऊंगी जिन पे कि कोई खास इन्फेक्शन नहीं होता। और थर्ड है दोस्तों कि आप इस तरीके से जैसे आप पूछ रहे थे इंडोर में हम कौन से लगाएं या हम छोटी छोटी बोटल्स में कौन से लगाएं, क्योंकि दोस्तों आजकल जैसे कांच की बोटल्स आती हैं, है ना, जिसमें कि सिरप वगैरह होते हैं, तो वो खाली हो जाती हैं, फिर हमें लगता है इनका यूज़ करें, तो उसमें आप मनी प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हो। और अगर ऐसे छोटे छोटे से आपके पास कंटेनर है या प्लांटर है उनमें आप इसकी कटिंग सोइल में भी ग्रो कर सकते हो,
तो मनी प्लांट भी दोस्तों बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इसको कोई भी लगा सकता है। तो जिसको कि पौधों का ज्यादा शौक ही नहीं होता ना, वो भी लोग इंटीरियर में इसको लगाते रहते हैं। जैसा कि मैं शुरू में अपने घर में भी देखती थी, जो बड़ी बड़ी घरों की औरतें भी होती हैं ना, उनको भी पता होता है कि मनी प्लांट आराम से बोतल में चल जाता है। तो मुझे नहीं लगता था इनको इतना शौक है पौधों का, लेकिन फिर भी वो मनी प्लांट्स तो लगाती रहती थी। तो ये भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है दोस्तों, और फिर तो आप परफेक्ट हो ही जाएंगे जब ये छोटी छोटी शुरुआत करेंगे इन पौधों से। फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अरे वाह, मेरे को तो प्लांट लगाने आ गए और मेरे प्लांट चलने लग गए हैं। तो ये उन्हीं की एनर्जी को बढ़ाने के लिए है। और अगर दोस्तों हम शुरुआत में ही बहुत सेंसिटिव प्लांट लगाते हैं, मर जाते हैं, फिर हम प्लांट लगाना छोड़ देते हैं, है ना। मैंने बहुत से ऐसे लोगों से सुना है कि मेरे प्लांट नहीं चलते, और बहुत से लोग दोस्तों मुझे कमेंट करके बोलते हैं हमारे नहीं चलते, आपके पता नहीं कैसे चल जाते हैं, और ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, शुरुआत दोस्तों हमने भी हार्डी प्लांट से ही की थी, और फिर थोड़ा थोड़ा सा जब उसमें ये लगा कि हाँ ये चलने लग गए हैं और कुछ ना कुछ हो रहा है अब, तो फिर थोड़ा सा और बढ़ावा मिला, है ना। बहुत से प्लांट भी खराब हुए और उसमें फिर समझ में भी आया कि हमने गलती क्या करी थी। तो ऐसे ही चलता रहता है ये कोई एक दिन का काम नहीं है, दो दिन का नहीं है, या आपको एक दो साल का नहीं है, ये हमेशा चलती रहने वाली चीजें हैं। क्योंकि दोस्तों लर्निंग जो है वो हमेशा ही चलती रहती है, और लर्निंग से ही आप धीरे धीरे सब कुछ सीखते रहते हो। और नेक्स्ट प्लांट आता है दोस्तों, मैंने इस प्लांट पे भी कभी किसी चीज का अटैक नहीं देखा, और ये है आपका मोगरे का प्लांट, जिसको कि जैस्मिन बोलते हैं। और इसमें तो इसमें से दोस्तों इतनी खूबसूरत सी, इतनी स्वीट सी स्मेल आती है, बहुत अच्छी लगती है। और मैंने इसको अपने लेमन के प्लांट के पास इसलिए रखा हुआ है क्योंकि लेमन पे मेरी फ्रूटिंग कम हो रही थी। तो अगर आपके भी इस तरह से जो फलों वाले पौधे हैं, फ्रूटिंग कम होती है, तो आप इस तरह फूलों वाले पौधे उनके पास रख दो, क्योंकि जब मधुमक्खी या पॉलिनेशन वाले इंसेक्ट इनके पास आएंगे तो उन पे भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखो मेरा लेमन का रखा हुआ है, इस पे भी एक कीड़े ने अटैक कर दिया था, इसके कुछ पत्ते खा लिए थे, फिर मैंने सोप वाटर स्प्रे किया और अब ये कुछ ठीक है। लेकिन हमारा जो मोगरा का प्लांट है हम उस पे ही आ जाते हैं, क्योंकि कई लोग ना दोस्तों वीडियो में जो भी चीज आती है ना फिर उसके बारे में पूछते हैं, तो मैं पहले से ही बता देती हूँ। तो इसको भी आप बड़े आराम से कटिंग से लगा सकते हो, अगर आपके आजू बाजू कहीं लगा हुआ है इसकी कटिंग काट के ले आओ, जैसे मैंने कटिंग से लगाने सिखा रखी है, और कटिंग्स का अपडेट भी मैं आपको दिखाऊंगी जिससे कि आपको और भी अच्छा लगेगा। तो इसकी पेंसिल की मोटी जितनी आप कटिंग ले आओ, इसको लाके लगा दो थोड़े से शेडी एरिया में जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो और छुपा छुपा सा माहौल हो प्लांट्स का, तो वहां पे आप इसकी कटिंग को लगाओ, चलाओ और इसकी बेल को बनाओ। तो आजकल तो दोस्तों इस प्लांट में बहुत वैरायटी आ गई है, तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। और दोस्तों मुझे नहीं लगता है किसी का फेवरेट प्लांट नहीं होगा, है ना। इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है ये, और ऊपर से फूलों का तो बस इसका कमाल ही है। अगर ये दो चार फूल भी कहीं गार्डन में खिल जाए तो उसकी इतनी खुशबू फैल जाती है चारों तरफ, और बहुत अच्छा लगता है फिर। तो लगाओ दोस्तों इस मोगरे के प्लांट को भी, और आज तक दोस्तों मैंने इस पे किसी भी चीज़ का अटैक भी नहीं देखा, तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्लांट है, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और खुशबूदार माहौल तो फिर घर में हो ही जाएगा, चाहे आप इसको बालकनी में लगाओ चाहे जहाँ मर्जी लगाओ। और नेक्स्ट प्लांट दोस्तों जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने इस पे भी कभी किसी चीज़ का अटैक नहीं देखा, रफ एंड टफ प्लांट है, और ना मैं कभी इस प्लांट पे ध्यान देती, और बड़े आराम से मैं इसकी कटिंग लगा भी लेती हूँ, चला भी लेती हूँ, और इसी तरीके से दोस्तों प्रूनिंग कर करके मैं इसकी ग्रोथ को भी बढ़ाती रहती हूँ। और जैसा कि कल मैं बता रही थी, बहुत ज़्यादा आंधी आई है, ये सुबह वाले ही फूल खिले हैं, और जितने कल फूलों के गुच्छे इस पे बने हुए थे वो सारे झड़ झड़ आ गए। तो ये प्लांट भी दोस्तों बहुत अच्छा है और इतना सुंदर प्लांट है दोस्तों ये, अगर आपने एक बार लगा लिया आपका मन इतना खुश हो जाएगा ये प्लांट लगा के, क्योंकि जब आपके गार्डन में ये प्लांट और पौधों के साथ रखा होगा तो आपका ध्यान इसी प्लांट पे जाएगा बस। क्यों, इसमें फूलों के गुच्छे ऐसे सुंदर बनते हैं, पीछे मैंने इस पे कई बार वीडियो बना रखा है, तो उसमें फूलों के गुच्छे थे और जैसा कि कल मैं बता ही रही हूँ आंधी आई है, सारे झड़ गए थे। तो इसको दोस्तों आप बड़े आराम से कटिंग से लगा सकते हो, और ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट है जितने भी मैंने अब तक आपको बताए हैं, गर्मी हो बर्दाश्त कर लेंगे, सारे समर के ही प्लांट हैं, और बहुत इजीली लगने वाले हैं। ये नहीं है कि फूलों वाले या नहीं है फूलों वाले, जितने भी मैं आपको प्लांट बता रही हूँ चाहे वो उसमें फूल आते हैं या नहीं आते हैं, जैसे मनी प्लांट है उसमें फूल तो नहीं आएंगे ना, लेकिन ये प्लांट बिगिनर्स के लिए है सिर्फ आज, जिनमें कि आप बिल्कुल एक शुरुआत के तौर पे
है ना, परफेक्ट भी बन सकते हो और दूसरा फिर आपको अच्छा भी लगेगा जब आपके प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। और इन प्लांट्स पे दोस्तों मैंने कभी किसी चीज़ का कोई अटैक वटैक भी नहीं देखा, तो ये भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। गोरी चोरी बोलते हैं जिसको, टिकोमा स्टेंस, तो ये भी आप लगाओ और बहुत अच्छा लगता है प्लांट भी। येलो बेल्स भी बोल देते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, तो बहुत अच्छा प्लांट है। मैंने तो गमले में भी लगा रखा है, बाहर भी लगा रखा है, तो बहुत अच्छा लगता है ये। गमले में भी थोड़ा सा बड़े साइज का लेना दोस्तों, क्योंकि ये प्लांट है ना, एक क्या कहूँ, ये ना तो ट्री है, ये एक श्रब टाइप सा बड़ा सा बन जाता है इसका पेड़ सा। इतना बड़ा पेड़ भी मत कहो, हाँ प्लांट भी नहीं रहता और इतना बड़ा पेड़ भी नहीं बनता बीच से का साइज का, तो थोड़ा सा बड़ा गमला लेना ताकि इसको फैलने के लिए जगह मिले। और नेक्स्ट है दोस्तों अपना रफ एंड टफ प्लांट, जो कि कनेर का प्लांट है, जिसको कि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट करके आपको दिखाया था। ये एक छोटे से गमले में मैंने कटिंग लगा रखी थी, वो चल गई थी अच्छे से और फिर इसकी सारी रूट बाउंड भी हो गई थी, क्योंकि कटिंग को तो दोस्तों हम छोटे से गमले में ही लगा देते हैं। और फिर ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, फिर मुझे लगा कि इसका गमला चेंज करना चाहिए, तो फिर मैंने इसको बड़े गमले में लगा दिया था। और इसके दोस्तों कटिंग्स बहुत आराम से चल जाती है। मैंने कुछ दिन पहले जो बंदर एक ब्रांच तोड़ गए थे उसकी कटिंग्स भी आपको लगा के दिखाई थी, तो वो भी अपनी अच्छे से चल गई हैं। तो बहुत अच्छे से बड़े आराम से कनेर की कटिंग आप लगा सकते हो। ये आसपास में लगे हुए प्लांट भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इनसे भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, जैसे ड्रेसिना वगैरह हो गए। तो दोस्तों आते हैं उन कटिंग्स के ऊपर जो मैं आपको बता रही थी, जो मैंने आपको लगा के दिखाई थी, और ये देखो। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये इतनी पतली सी कटिंग थी, मुझे खुद भी नहीं यकीन था 4-5 दिन पहले कि इस पे कुछ ग्रोथ होगी। मैं इसको निकालने ही वाली थी, लेकिन कल जब मैंने इस पे पत्ते से देखे निकलते हुए, तो फिर मुझे यकीन हो गया कि ये चल जाएगी। और ये देखो, जितनी भी कटिंग मैंने आपको लगा के दिखाई थी, सब पे कुछ ना कुछ निकलने लग रहा है। इसका मतलब ये कटिंग हमारी चल पड़ी है। तो कनेर की कटिंग या हिबिस्कस की कटिंग लगाना दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है, सब पे देखो ग्रोथ आ रही है। और जैसा मैंने एंगल बता के आपको लगाया था लगाना, वैसे ही आपने लगानी है। तो अब आप ये देख ही रहे हो, है ना, सब पे कुछ ना कुछ पत्ते से निकल रहे हैं, नोड से बन रहे हैं, है ना, देखो सारे के सारे, ये देखो आराम से देखो, है ना। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, इसके आप कटिंग्स भी लगा सकते हो। जिनके घर में लगे हुए हैं और प्लांट बना सकते हो आप, और कहीं आसपास में लगे हुए हैं आपको उसका कलर पसंद है, तो इस तरह से डंडी तोड़ के ला के आप लगा सकते हो। तो कनेर भी दोस्तों बहुत अच्छा प्लांट है बिगिनर्स के लिए, और इस पर कोई भी कुछ भी अटैक नहीं होता। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप इसको गमलों में भी लगा सकते हो। ये देखो, मैंने कटिंग से गमले में तैयार किया था और ये नए नए फूल भी आ गए हैं, जैसा कि मैं कुछ दिन पहले बता रही थी कि कटिंग अच्छे से चल रही है। अभी देखो इसमें फूल कौन से रंग के आएंगे, तो देखो इसमें फूल खिलने शुरू हो गए हैं। और ये कटिंग भी देखो दोस्तों कितनी अच्छे से फैल गई है। ये थोड़ी ना दूसरी सी वेराइटी है बोगनविला की, एक होती है ना ज्यादा बेल वाली, वो नहीं है ये। इसमें एक मतलब ऊपर ही, जैसे बोगनविला में बीच बीच में फ्लावरिंग होती है ना, इसमें ऐसे नहीं देखी मैंने। इसमें जो टिप होता है ना मतलब स्टेम का, उस पर ही फ्लावरिंग होती है बस, ये फूल से जो आते हैं। तो ये अलग सी वेराइटी है कुछ, और ये बहुत डेंस वेराइटी है दोस्तों। ये जिसने भी ये वेराइटी देखी होगी, और इसमें जब ये फूल खिलते हैं और जिसके यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं। इसकी जो बेलें बनी हुई होती हैं, बेल टाइप से भी नहीं बनता, बहुत सुंदर सा एक बड़ा सा प्लांट बन जाता है इसका। तो बोगनविला भी दोस्तों आपको कोई भी वैरायटी मिलती है, बहुत सुंदर प्लांट है बिगिनर्स के लिए, और इस पे भी कभी किसी चीज का कोई अटैक नहीं होता। और साथ में दोस्तों एक पर्दे की तरह भी अगर आप घर के बाहर के एरिया में लगाते हो, उस तरीके से काम करता है, पॉल्यूशन से भी आपके घर को बचाता है। और दूसरा बहुत रफ एंड टफ प्लांट है, ड्राउट रेजिस्टेंट है। ड्राउट रेजिस्टेंट तो आप यही मान लो, आपको जहां भी जाओगे प्लांट देखने को मिलेगा, चाहे वहां कोई पानी देता हो, चाहे कोई माली है नहीं है, या कोई देख रेख करने वाला है नहीं है। लेकिन जब भी दोस्तों इसका बाहर का मौसम आता है, तो ये अपना कितनी अच्छी इसकी बेलें लगती हैं दूर से देखने में भी, अगर हम कहीं जा रहे हों, है ना, और बोगनविला की बेलों पे फूल खिले हुए हों, तो वैसे ही देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, चाहे उनका कोई ध्यान भी ना रखता हो, रोड पे भी लगी हुई हो वो, है ना। तो इतना रफ एंड टफ प्लांट है ये, तो ये भी आप शुरुआत में लगा सकते हो। और अगर आपके पास जगह भी नहीं है, तो भी आप इसको गमलों में लगा सकते हो। गमलों में भी बहुत अच्छे से चलते हैं, देखो गमले में ही तो लगा हुआ है ये, है ना। और कटिंग से बड़े आराम से तैयार हो जाता है ये। और कटिंग दोस्तों मैंने आपको लगानी सिखाई रखी है। और नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे आप पूछते रहते हो छोटे गमलों में कौन सा लगाएं ताकि हमारा गमला अच्छे से भर जाए, तो उसके लिए दोस्तों मुझे प्लांट बहुत अच्छा लगता है और हमेशा रहने वाले प्लांट है जो भी मैं आपको बता रही हूँ,
और ये है दोस्तों मैक्सिकन पेटूनिया, ये हाइब्रिड वैरायटी है। एक वाइल्ड वैरायटी होती है, उस पर भी फूल नहीं आया, नहीं तो मैं वो भी दिखा देती। तो अभी इस पे हाइब्रिड पे आने शुरू हुए हैं फूल नए नए। तो ये दोस्तों हमेशा सर्दी गर्मी फूल देता रहता है, रुक रुक के फूल आते रहते हैं इस पे। और इसके प्लांट तो खैर आप देख ही रहे हो कितने सुंदर लगते हैं। और ये अच्छी बड़ी डिश है, एक छोटी सी कटिंग मैंने इसमें लगाई थी अभी कुछ दिन पहले, और ये देखो सारा का सारा जो है ये हॉरिजॉन्टल जो मेरा प्लांटर है इसने घेर लिया है। पहले इसमें पेटूनियाज लगे हुए थे, और अब ये देखो जब गर्मियों की शुरुआत हुई थी तब मैंने इसमें कुछ पर्सलेन की, पोर्चुलाका की और ऐसे ऐसे कुछ कुछ लगा दिया था मैंने इसमें। तो अब ये देखो कितनी आसानी से इसकी कटिंग्स ग्रो हो जाती हैं। और जो इसकी मेन स्टेम होती है दोस्तों, उस पे से जो छोटी छोटी स्टेम्स निकल रही होती है ना, वहीं से आपको बिल्कुल मेन स्टेम पे से जहां से दूसरी स्टेम शुरू हो रही है वहीं से आपने इसको तोड़ना है और लगा देना है। और नीचे के दो चार पत्ते हटा के जो सॉइल में जाएंगे हटा के आप इसकी कटिंग को लगा दो, एकदम बड़े आराम से चल पड़ती हैं ये। और ये देखो ये सारी नई नई कटिंग्स हैं जिन पे अब फूल आने शुरू हो गए हैं। तो ये देखो आप, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत खूबसूरत प्लांट है। और जब इस पे फूल खिलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, और सुबह से शाम तक खिले ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि धूप होगी तब खिलेंगे और नेक्स्ट डे फिर दूसरे खिलाएंगे। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है मैक्सिकन पेटूनिया, तो इसको भी आप बड़े आराम से लगा सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और कुछ प्लांट जो आपको नहीं पता थे आपको पता लग रहे होंगे। और जो लोग दोस्तों पुराने हैं वो तो बिल्कुल है ना हैबिचुअल से हो गए होंगे इन प्लांट्स के, लगा लगा के इनकी कटिंग्स भी, और उनके घर सबके गार्डन में भी होंगे प्लांट। तो जो लोग नए नए जुड़ते हैं ना उनको फिर शौक रहता है, और कई बार वो पुरानी वीडियोज पे भी नहीं जा पाते, उनको इतना ज्यादा YouTube रन करना नहीं आता कि कैसे चैनल पे जाते हैं, कैसे वीडियोस देखते हैं। तो उनके लिए बनाना देखो जरूरी हो जाता है फिर। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों जो कि मेरा बहुत फेवरेट प्लांट है, और मेरे गार्डन में इसकी बहुत सारी वैरायटीज हैं। और ये प्लांट है दोस्तों आपका हिबिस्कस का प्लांट, जिसको कि हम गुड़हल बोलते हैं। और इसको भी दोस्तों आप चाहे बाहर क्यारी में लगाओ, चाहे आप गमलों में लगाओ, चाहे अपनी बालकनी में लगाओ, बालकनी में भी बहुत सुंदर लगेगा जब आप वहाँ बैठ के चाय पियोगे और ऐसे सुंदर सुंदर फूल खिल रहे होंगे, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। मैंने तो खैर खिला ही रखे हैं, और जब आप कमेंट करके मुझे बताते हो कि मैम आपके कहने से हमने और भी ज़्यादा गमले लगाए, पौधे लगाए, हमारे फूल खिल रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है, तो यकीन मानिए मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ जैसे कि मैं खुद आपके घर में पहुँच गई हूँ और सारा का सारा देख रही हूँ आपने कैसे कैसे क्रिएट किया है। और जो लोग वीडियोस भेज देते हैं व्हाट्सएप पे वो तो खैर मैं देख ही लेती हूँ। तो ये भी दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है हिबिस्कस का, इस पर मैंने वीडियो भी मेरे ख्याल से कल परसों ही बनाया है, वो एक बार आप देख लेना, ट्रीटमेंट वगैरह सब बता रखा है इसका। और नेक्स्ट दोस्तों जो बिल्कुल ये कहूँ मैं, जिसको कि एक छोटा सा बच्चा भी इसको तोड़ के कहीं फेंक देगा ना और इसको मट्टी मिल जाएगी, वहीं से उगनी शुरू हो जाएगी, पर्सलेन और पोर्चुलाका जो भी बोलते हैं हम। तो इसको तो दोस्तों कई बार चिड़िया विड़िया भी कई बार चूट चूट के ले जाती है ना, और उनसे कोई कटिंग गिर जाती है तो वहीं पे उगनी शुरू हो जाती है। तो ये समझ लो कि इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, इससे इजी टू ग्रो प्लांट तो मैं आपको क्या बताऊं फिर, है ना। और हमेशा रहने वाले पौधे हैं दोस्तों ये, बस सर्दियों में बस आपको इसकी कटाई छटाई कर देनी होती है, और जैसे ही फरवरी मार्च का टाइम होता है फिर ये दोबारा से रीग्रो करना शुरू कर देते हैं, इनकी जड़ें रह जाती है जमीन में, दोबारा से आपको कुछ भी नहीं करना। मतलब इस प्लांट में एक बार आपने लगा दिया ना लाके, बस एक बार आपको इसकी वैरायटी इकट्ठी करनी है कोशिश करके। अभी तो चलो लॉकडाउन है, लेकिन जो भी घर में है अभी उनसे ही काम चला लो, इसकी कटिंग्स लगा दो छोटे छोटे डब्बों में, छोटे छोटे कंटेनर्स में। आपके कोई मग्गे टूट गए हों, है ना, या पुराने हो गए, वो आपने बदलने, उनमें लगा दो। जैसे मैं हैंग कर देती हूँ उनको, और मुझे मग्गे दोस्तों इतने अच्छे लगते हैं हैंग करने के लिए, एक तो मजबूत होती है उनकी डंडी, और दूसरा इसमें लगे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये एस्पैरेगस, ये मैंने अभी कुछ ही दिन पहले आपको लगाना भी सिखाया था, इन जो ये ब्लैक वाले कंटेनर रखे हैं इनमें ही लगाना सिखाया था। इसको भी आप बड़े आराम से बल्ब से लगा सकते हो, मिट्टी में से निकाल के इसके बल्ब कहीं भी लगा दो, हैंगिंग बास्केट में लगा दो, और ये छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा दो, कहीं भी लगा दो, तो इसके बड़े आराम से प्लांट तैयार हो जाते हैं। और इसका वीडियो भी मैंने शेयर कर रखा है आपके साथ, कैसे लगाने हैं आपने बास्केट्स में। मेरे ख्याल से वो वाला बास्केट का था शायद, पुरानी बास्केट, मतलब घर में पुरानी बास्केट का यूज़ कैसे करें ना, ऐसा कुछ टाइटल था, तो एक बार वो देख लेना आप।
तो मैंने इसके बल्ब निकाल के आराम से लगा के आपको सब कुछ दिखा रखा है। उसमें आपको पुरानी टोकरियों का भी यूज करना आ जाएगा कि कैसे आप प्लांट लगा सकते हो, जो भी आपके घर में पुरानी इस वक्त टोकरियां पड़ी हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मेरे बहन भाई बिल्कुल बिगिनिंग में हैं गार्डनिंग के, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो बस करो शुरुआत इन पौधों से, और मुझे नहीं लगता फिर आप कभी भी हार मानोगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए था वीडियो। शुरुआत करो और आगे आगे बढ़ाओ ग्रीनरी को। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।